हेलो गाइस, मैं शिव कुमार खान और आप हमें पहचानते होंगे। हम इनको भी पहचानते होंगे भैया। पीछे वो आदमी जो खड़ा हुआ है नीली शर्ट में, इसको भी पहचानते होंगे। हाँ। क्योंकि हमने भी जब स्टार्टअप किया था तब हमारे पास एक सब्सक्राइबर थे। धीरे धीरे आज हम फेसबुक पर 3,25,000 के आसपास फॉलोवर लेकर टहल रहे हैं और हमारी जो वीडियोज़ है हाईएस्ट मिलियन 24 है और हमने ये तरक्की धीरे धीरे की है। इसी तरीके से आज हमारे साथ दो नए ब्लॉगर जो हमारे ही क्षेत्र के हैं, खासकर मलदा क्षेत्र से आते हैं। और ये जो क्षेत्र है ये दरअसल इसकी अगर आप संरचना देखेंगे तो ये ढलान पे है और जब भी नेपाल से कोई पानी आता है तो ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बन जाता है और वहाँ एक अच्छी खासी किसानों की तबाही या आम जनमानस जो वहाँ रहते हैं उनकी तबाही हो जाती है। तो उसी क्षेत्र से ये कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर एक अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। उसी की कोशिश में ये लगे हुए हैं। आज इनके सब्सक्राइबर हो सकता है हमारी तरह कम हैं क्योंकि हम भी पहले कम ही थे, लेकिन जब एक आदमी अपनी जगह बना लेता है सोशल मीडिया पे तो लोग उसे जानने लगते हैं, मिलने आने लगते हैं। जिस तरीके से ये आज हम लोगों से मिलने आए हैं, दरअसल मिलने इसलिए आए हैं क्योंकि इन्हें कैसे ग्रो करना है और कुछ एडवाइस की ज़रूरत थी, तो उस ताल्लुक से आए हैं। इनके चैनल का नाम मैं आपको बता, अंजनी देवी 625। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनकी वीडियो को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी इनका एक रील का छोटा सा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया है। भैया हेलो, यहाँ आओ भाई साहब। या भैया इन्हू बनावत। हेलो गाइस, चैनल के का नाम है बताइए जो भैया। कृपा शंकर 88। इस चैनल को भी आप विजिट करिए, देखिए, क्योंकि जब भी कोई इंसान स्टार्टअप करता है तो जीरो से करता है, फिर धीरे धीरे चलकर वो आगे बढ़ता है और फिर उसकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी बनती है। उस आइडेंटिटी के उस पहचान के सहारे वो कई लोगों को पहचान दिलाने में समर्थ होता है और कोशिश करता रहता है। तो साथियों, बाकी हमारी टीम के एक मेम्बर इमरान भाई बहुत दूर खड़े हैं, दरअसल उनको देवा जाना है, उसी की तैयारी चल रही है। गाइस, हम इमरान होई। गाइस, हम मलदा सकलदम आए रहे, देखावे जो बाढ़ वाला पूरा इलाका रहा ना ओकरे आगे, हम ही होई इमरान। हाँ गाइस, ज्यादा से ज्यादा ये चैनल पर यहाँ जितना लोग विजिट करो तो सब लोग फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। का नाम है चैनल का? अंजनी देवी 625। यूट्यूब चैनल पर जाइए आप लोग और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबोटे। बाकी हम बाद में मिली था हमारा बोलते भैया। चला, ये आपके चैनल का नाम? कृपा शंकर 88। ये दोनों आप लोग का? अच्छा, उनका भी चैनल, मतलब रिश्ते में क्या? भाई बहन। अच्छा भाई, ये कृपा शंकर इनका 88 है, भाई बहन है और ये बनाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया इनके क्षेत्र के बारे में, इनका क्षेत्र कैसा है। बाकी इमरान भाई ने बताया कि हमने बाढ़ग्रस्त इलाकों की कवरेज की थी, मैं भी उसका हिस्सा था, ये वहीद भाई भी उसके हिस्से थे। सब्बू भाई को हमेशा हम लोगों ने टोपी लेके निकल गए हम उसी से, इन्हें बाढ़ग्रस्त इलाके तक पहुँचने ही नहीं दिया गया क्योंकि दरअसल तैरने से थोड़ा डरते हैं भैया, पानी से डरते हैं। घूमे टहरे के बारे में यहाँ नहीं, सब चुप्पे चला जाते हैं, हमें छोड़ जाते हैं। मैं एक गलत बोल रहा, क्योंकि दरअसल ये पानी में ना, तो पानी से इसको डर लगता है। अब ठंडक आ गया, 5 महीना नहीं नहाएगा भाई साहब। काहे झूठ बोलो, हाइट कम होने के लिए आप लोग छोड़ जाते हैं, हाइट कम होने के नाते तो डूब जाएगा ना मसला, ये ठीक है उसके लिए आप है ना खड़े। बाकी वहीद भाई हमारे आगे चलेंगे। तो भाई साहब, मेरा कहना यही है कि जिस लिए ये लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोगों की वजह से आए हैं, तो आप लोग इनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट कर दीजिए। और जैसा कि शोएब भाई ने बताया है, सब सही बताया है, वहाँ की वीडियो जितने भी मैंने शूट किया था, बनाया था, अपने चैनल पर डाला था, वो बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब उसको प्यार दिया था, देखा था। तो वैसे ही हम चाहते हैं कि इन लोगों को भी भाई सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। भाई साहब बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, मैं देख के इनका फैन हो गया हूँ। आप भी जाइए अंजनी देवी 625 पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखिए। आपका भाई क्या चैनल है? कृपा शंकर 88 पे जाइए, ये भी बहुत अच्छा बनाते हैं वीडियो, आप लोग लाइक। तो अभी मैं इनके रील का मतलब इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम भी चेक करेंगे, उसके बाद में यूट्यूब का भी मतलब इंस्टाग्राम भाई अभी तक नहीं था, अभी हमने सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके हम भी देखेंगे क्योंकि हमने भी देखा नहीं, मैं जस्ट पहुंचा था। उन भाई लोग ने कहा कि भाई कुछ बोल दीजिए, तो हमने कहा चलो ठीक है बोल देते हैं, अब फिर मुलाकात करते हैं बढ़िया से भी। चलो भाई लोग, बाय, सपोर्ट करना।